छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन द्वारा रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पेंशन रिश्ता की उपाधि से नवाजा गया। वर्षों से कर्मचारियों की विभिन्न लंबित मांगों को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार दिल से जताया गया। छत्तीसगढ़ कर्मचारी कांग्रेस नगरी निकाय प्रकोष्ठ छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन से जुड़े हजारों सदस्यों द्वारा रायपुर के इंद्रावती भवन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में फेडरेशन के पदाधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पेंशन दृष्टा के रूप में सम्मान किया गया और कर्मचारियों की वर्षों पुरानी कुछ महत्वपूर्ण मांगों के पूरा होने पर मुख्यमंत्री का आभार जताया गया। फेडरेशन द्वारा पुरानी पेंशन योजना बहाली के निर्णय के लिए अभिनंदन किया गया। मुख्यमंत्री ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अंशदायी पेंशन योजना से जो कठिनाइयां आ रही थी इसका मुझे अंदाजा था। सभी लोग सेवानिवृत्ति के बाद सम्मान से जीवन गुजारना चाहते हैं। किसी सरकार की ताकत अधिकारी कर्मचारी होते हैं। आप चिंतित रहेंगे तो कार्य भी प्रभावित होगा, इसलिए ओल्ड पेंशन योजना लागू की गई है ताकि आपका मनोबल ऊंचा बना रहे। मैं वही चर्चा कर रहा था, आप लोग सम्मान करने बुलाए हैं कि मांग करने बुलाए हैं? यदि मांग करने बुलाए हैं तो सम्मान फिर वापस ले लीजिए, है ना, मांग ही कर लीजिए, है ना। तो आपके चेहरे में सम्मान में खुशी जितनी दिखी थी उससे ज्यादा मांग में ज्यादा दिखाई दे रहा है। मैं अभी अपने कर्मचारी अधिकारियों को निराश कभी नहीं करूंगा, इस बात को समझ लीजिए। मैं अभी कोई वो बात नहीं कहने जा रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए। आपकी मांग है ये मुझे जानकारी नहीं, अभी प्रतिवेदन दिए तब पता चला। तो जब मुझे तो बुलाया गया था सम्मान करेंगे, बोर्डिंग सब रास्ते पर वही लगा है। अब मांग आपने किया है, मैं आपको ये खुशखबरी बहुत जल्दी दूंगा, ये बात का विश्वास दिलाता हूं। बहुत जल्दी इसकी घोषणा करूंगा। अधिकारियों से मुझे बात करनी पड़ेगी आखिर इसमें कितना भार आएगा, क्या है, वित्त विभाग भी मेरे पास है, तो इसलिए मैं अधिकारियों से बात कर लूंगा और बात करके खुशखबरी जितना जल्दी हो सके आप तक पहुंचाऊंगा। इस बात का विश्वास दिलाते हुए अपनी वाणी को विराम देने से पहले सभी कर्मचारी संगठनों को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देते हुए, आप सब ने जो सम्मान किया, जो अपनापन दिखाया, उसके लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी विराम देता हूं। धन्यवाद, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। भिलाई से कर्मचारियों के साथ रायपुर सम्मान समारोह में उपस्थित हुए कर्मचारी कांग्रेस के पदाधिकारी संजय शर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। सबसे पहली मांग थी उनका सम्मान कर, मांग कुछ नहीं थी, सम्मान करना था माननीय मुख्यमंत्री जी का और पूरे प्रदेश के जितने भी कर्मचारी संघ हैं, जिसमें कर्मचारी कांग्रेस और तमाम जो 22 दलों का जो संगठन है अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन, पूरे प्रदेश से लोग गए थे और पेंशन दृष्टा पुरुष के रूप में उनको जो हम लोगों ने सम्मान दिया, और सम्मान के साथ साथ हमने अपनी मांग रखी कि भाई जो केंद्र सरकार ने जो 17% जो डीए दिया है तो वो 17% का डीए जो हमारी 14% की मांग थी, 3% की घोषणा तो अभी 15 दिन पहले हुई है केंद्र सरकार के द्वारा, तो कम से कम हमको 14% डीए की आप सौगात से नवाजें। और मैं आपको बताना चाहूँगा, शायद इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा, किसी प्रदेश में नहीं बोला है, खैर अंदर की बात बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी कांग्रेस के जो महा अपना प्रांताध्यक्ष हैं बीपी शर्मा जी, जो फेडरेशन के प्रवक्ता भी हैं, उनकी और कमल वर्मा संयोजक हैं अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के, राजेश चटर्जी जी हैं, विजय झा हैं और भी तमाम लोग हैं जिनके साथ चर्चा इंटरनली होने के उपरांत ये बात हुई है कि खैरागढ़ चुनाव एक हफ्ते में निपटेगा, उसके बाद 7%, ये 7 से लेकर 10% की घोषणा पूरे प्रदेश में महंगाई भत्ते को लेकर करेंगे, लेकिन उन्होंने एंड दे दिया है। चूँकि आचार संहिता लगी है, खैरागढ़ उपचुनाव में भी लोग हैं कर्मचारी हो, इसलिए हमारी अच्छी बात हुई, कल वहाँ गए हम लोग और हम लोगों ने कल उनका सम्मान भी किया और उन्होंने कर्मचारी अधिकारियों की पूरी मांगों को पूर्ण करने का पूर्णतः आश्वासन दिया। नगरीय निकाय की तरफ से, क्योंकि मैं संयोजक हूँ छत्तीसगढ़ कर्मचारी कांग्रेस का, हम लोग निगम से कम 10 गाड़ियों में 100 लोग गए थे और पूरे 168 नगर निगमों में हमारे कम से कम 500 साथी जो है पहुँचे थे वहाँ पर इंद्रावती भवन में। हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान किया और बहुत जल्दी जो डीए की घोषणा है
वो 7% के लगभग जो है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कर की जाएगी अधिकारी कर्मचारी के फेडरेशन के आह्वान पर। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा प्रदेश में नवीन पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। इस निर्णय से प्रदेश के लगभग 3 लाख शासकीय सेवकों को लाभ मिलेगा। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।